गुजरात के मोरबी में रविवार को केबल ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई, वहीं कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। इस हादसे में नवजीवन पाने वाले कुछ लोगों से हमारे सहयोगी मेहुल झाला ने खास बातचीत की। मोरबी के झूलते ब्रिज पर जो हादसा हुआ रविवार की शाम, इसमें कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, या ईश्वर करे समझिए ईश्वर ने एक चमत्कार के रूप में इनको ये नवजीवन बख्शा है। अस्पताल में, मोरबी के अस्पताल में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा बच्चा है ये जो ब्रिज के ऊपर गया था, और खुशकिस्मत रहा कि अब उनकी जान बच गई। क्या नाम है आपका? नंदन जी। नंदन जी, कितने लोगों के साथ गए थे आप? चार। कौन कौन थे? नहीं लगा है, वो भी खुश किस्मत रही है। और ये नंदन जो है उनके पिता का देहांत हो गया। तीन लोग थे, चार लोग थे, तीन बच गए। हमारे साथ कोई एक और पेशेंट है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेहुल रावल। मेहुल जी, क्या घटनाक्रम आपने देखा वहाँ पर जब आप ब्रिज पर गए? कितने लोग थे? लोग तो ब्रिज पर ज़्यादा लोग थे, बहुत ब्रिज पूरा फूल था। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग आधे रास्ते से ऊपर था, तो ब्रिज बहुत हिल रहा था, बच्चे भी डर डर रहे थे। और मोरबी की दुर्घटना के बाद पूरा देश सहम उठा है, वहीं कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जो इस झूलते पुल पर नज़ारा देखने गए थे और ब्रिज कॉलेप्स हो गया, बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी खुशकिस्मती से जान बच गई। हमारे साथ धीरज जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकया हुआ था, कितने लोग गए थे। धीरज जी, कितने लोग गए थे आप, क्या घटना आपने देखी? हम तीन लोग गए थे, एक मैं और मेरे दो भतीजे थे छोटे छोटे, एक 7 साल का और एक 9 साल का। हमने टिकट लिया, टिकट लेके एंटर किया, और एंटर करते धीरे धीरे चलते जा रहे थे। मेरे दो भतीजे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चला जा रहा था धीरे धीरे, और पुल पूरा भरा हुआ था। जब हम पुल के ठीक बीचों बीच पहुँचे तो अचानक से सामने का एक केबल टूट के निकला, और पूरा का पुल था जो पूरा पानी में गर्का हो गया। तो मोरबी में घटी दुर्घटना में अब तक 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं दुर्घटना पर राजनीति भी हावी हो गई है। इस बीच हमारे सहयोगी ने झूलते पुल की उस टिकट बारी का जायजा लिया जहां से मौत का टिकट कटा था। न्यूज इंडिया पहुंचा है मोरबी के दरबारगढ़ क्षेत्र में। ये आप देख रहे हैं मोरबी के राजवीर परिवार का ये पैलेस है जिसको दरबारगढ़ के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर ठीक देख सकते हैं ये झूलता पुल ओरेवा कंपनी का है, जहां पर ये टिकट विंडो समझा जा रहा है कि यहां से टिकट दिया जाना था। रविवार को यहां पर काफ़ी भीड़ थी और तकरीबन 400 से 500 लोग इसी जगह से टिकट लेकर पहुंचे थे झूलता पुल पर। और जिस कदर से रविवार की शाम को जो दुर्घटना घटी उसमें अभी तक कहा जा रहा है कि 135 लोगों की जानें चली गई है। साथ साथ मैं आपको ये दरबारगढ़ के पिछले हिस्से का मुआयना कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं नदी के तट में जिस तरह से मशीन लगी हुई है और पानी निकालने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। ये पानी निकलेगा क्योंकि नीचे जलकुंभी बहुत है, कीचड़ भी है। ये दूर दराज का इलाका है, ब्रिज से ठीक दूरी का, वहाँ से पानी खींचा जा रहा है। पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ब्रिज के बीचों बीच जितनी गहराई है उनका अंदाज़ा शायद नहीं लगाया जा सकता। कई लोग कह रहे हैं कि ब्रिज के नीचे जो सेंटर का हिस्सा है उसके नीचे पानी के नीचे तकरीबन 15 से 20 फीट की गहराई हो सकती है। जो लोग ब्रिज के ऊपर से गिरे हैं और सेंटर लेवल पर थे वो हो सकता है कि नीचे दलदल में 15-20 फीट नीचे उतर गए हों और फंसे हों। हालांकि उन लोगों का बचना नामुमकिन सा लग रहा है, बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।